दोस्तों, आप सभी के मन में कभी ना कभी यह ख्याल तो जरूर आया होगा कि केसर इतना महंगा ही क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल केसर की खेती के लिए बहुत कम मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। सैफरान के फूल के धागे निकालने के लिए मशीन की जगह हाथों का उपयोग करना पड़ता है। एक फूल के सैफरान में 3 नाजुक धागे होते हैं। ऐसे करीब 75,000 फूलों से लगभग 400 ग्राम केसर निकलता है। यही कारण है कि केसर इतना महंगा होता है। इसके अलावा जो फूल होते हैं वह बहुत कम समय के लिए खिलते हैं और इन्हें उसी दिन तोड़ना पड़ता है जिस दिन यह खिलते हैं। सैफरान के फूल को क्रोकस के नाम से भी जाना जाता है। जब यह फूल खिलता है तो इसमें से 3 केसर के नाजुक धागे निकलते हैं। फूल के केसर के धागे निकालने के बाद उसको फूल को सुखा दिया जाता है। भारत में सैफरान की खेती कश्मीर में की जाती है। इसके लिए सितंबर से दिसंबर के बीच का समय सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। कश्मीर अपने उच्च गुणवत्ता वाले केसर के लिए दुनिया भर में माना जाता है। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी देखने के बाद में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।